इन पैथोजेनेसिटी द एनिमल वायरस और द रेट्रो वायरस इंटर्स द एनिमल सेल एंड देन दे अटैक द देयर इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेज एंड आफ्टर हैकिंग देयर मशीनरी दोज मैक्रोफेज प्रोड्यूस देयर ओन सेल इंस्टेड ऑफ खुद के सेल जो वो अपना रेप्लिकेट करता, अब उसकी मशीनरी को हैक कर लिया तो उसको लगता है कि वो अपनी ही सेल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या वो रेट्रोवायरस उसको हैक करने की वजह से, उसकी मशीनरी को हैक करने की वजह से वो रेट्रोवायरस की फॉर्मेशन उनका रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? तो ये आपका रेट्रोवायरस एनिमल सेल के अंदर जाएगा, हाँ कि ना, जो अपना उसका जेनेटिक मटेरियल वो अंदर अंदर डाल देगा उसको, हाँ कि ना, बोलो। हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आरएनए होती है, इससे क्या बनाएगा, आरएनए जब अंदर जाएगा तो अंदर क्या बनाएगा, बोलो, डीएनए। आरएनए से वो डीएनए बना लेगा। बस बाकी आप इसके बारे में ज्यादा जानते हो क्योंकि आप लोगों का मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो चुका है। क्लियर है? अब ये डीएनए बन गया, अब ये सेल है, सेल के अंदर क्या आपके पास हो गया, मॉलिक्यूलर कल खत्म हो गया। वेरी गुड, जल्दी अपना 12th खत्म करो आप लोग। तो आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है? अब क्या करेगा, वो होस्ट का जो जीनोम है, क्या है, जो होस्ट का जीनोम है, ये डीएनए उसके अंदर जाएगा, आगे ना, उनके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, जिनकी वजह से क्या होगा, जब वहां पे अपने उस आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा अपने जेनेटिक मटेरियल का, तो उसके साथ साथ ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता है, धीरे धीरे क्या करता है उसके अंदर इस जीनोम, जीनोम मतलब क्या होता है, जीनोम मतलब क्या होता है, हाफ द अमाउंट ऑफ, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम कहते हैं। जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जीन। नहीं सर, मैम ने बोला था कि वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23/46 उसको हम जीनोम कहते हैं। न्यू वायरल डीएनए का प्रोडक्शन होगा, बोलो यस और नो। अब क्या करेगा, जिनकी वजह से जो यहाँ के सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो उस तरीके से इन्फेक्टेड सेल्स भी बढ़ने लगेंगे। अरे बोलो ना, अभी जो इन्फेक्टेड सेल है इनके अंदर डीए वायरल डीएनए है, अब वो किसी दूसरे सेल को अटैक करेगा, बोलो ना, अब अटैक करने के बाद बहुत सारा अपना जेनेटिक मटेरियल बना लेगा, डीएनए बना लेगा, हाँ कि ना, अरे बोलो ना, ये मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ, किसके अंदर की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो इसका इन्फेक्टेड सेल है, जो इसका इन्फेक्टेड सेल है और जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ से अपना जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो आगे बाहर रिलीज कर देगा, ताकि वो नेक्स्ट न्यू सेल को अटैक कर सके, आगे ना, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर द अदर नॉर्मल सेल, अदर विच आर नॉट इन्फेक्टेड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा और जो पुराने वाला वायरस है तो इन्फेक्टेड सेल वो सर्वाइव कर सकता है, जो जो वायरस का रेप्लिकेटेड है ये दूसरे को इन्फेक्ट कराएगा, आगे ना, ये बाहर रिलीज कर देगा और फिर वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, आगे ना। इसी हिसाब से, क्योंकि ये इनको बनाना था अपना सेल, लेकिन इनकी मशीनरी हो गई है, इनकी मशीनरी हो गई है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एचआईवी फैक्ट्री। कौन? मैक्रोफेज। बात समझ में आई? ये पहले मैक्रोफेज को ही अटैक करते हैं, मतलब जिनके पास हथियार होता है उसी को खत्म कर दो, फिर सब कुछ तो तुम्हारा। अरे हाँ कि ना, बात समझे क्या? हाँ सर। इसके हम लोग थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। Whenever the retrovirus enters in our body, what I said, when the retrovirus enters in our body, then what happens? This is the retrovirus and covered by viral protein coat. This is also infectious. Again, this is the viral RNA core. Virus will first of all infect the normal cell. Then they will introduce their DNA, their RNA, into the normal cell. So viral RNA is introduced into a cell from where the viral DNA are produced with the help of reverse transcriptase. Yeah, got my point? After that, what will happen? Yes, viral DNA that is formed inside the cell
and these may be any cell, immunocompetent cell, macrophage, any other cell. These viral DNA neck in necks incorporates or enters the host genome so that that cell can hack the machinery of our replication. अगर अपना replication की machine भी अगर hack कर ले, note छापने की machine अगर मैं ले लूँ, तो मैं बन जाऊँगा ना अमीर? अरे हाँ कि ना? बोलो तो? हाँ सर. So this is the nucleus and इसके अंदर क्या है? उसका बहुत सारा DNA बन गया है. तो न्यू वायरल डीएनए है ये प्रोड्यूस हुआ है बाय इन्फेक्टेड सेल, क्योंकि इनको ये कौन सा सेल का डीएनए है, मतलब न्यूक्लियस है, इन्फेक्टेड सेल का है, हाँ कि ना? अभी इसका बहुत सारा वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा, देन फिर क्या होगा कि न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, यहाँ से वायरस भी उसको जो वायरस भी प्रोड्यूस होंगे और उनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए भी प्रोड्यूस होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जहाँ पे डीएनए लिखा है ना, उसको आप आरएनए करो. New viral RNA is produced by infected cell. Clear है? Yes, sir. DNA के help से वो nucleus को attack करना आसान रहता है. बाद में कि infection जो part है वो कौन होता है? Viral DNA होता है. इसलिए तो नाम है viral DNA, जो कि infection cause कर सकता है. After that these viruses are released and produced, मतलब produced and released. These new viruses can infect other cell. क्या मेरी बात समझ में आई? खास तौर से एक पॉइंट मैंने लिखाया कि इन्फेक्टेड सेल जो इन्फेक्ट हो चुका है वो तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन जो वायरस था देर रेप्लिकेट बनाएगा, कॉपी करेगा और बाहर रिलीज कर देगा. क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई सबको? आफ्टर गेटिंग इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस इंटर्स इन टू द मैक्रोफेज. जो मैंने सेल बनाया क्या था? वो एक नॉर्मल सेल था, दैट इज द मैक्रोफेज, वेयर आरएनए जीनोम of the virus replicates to form DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. These viral DNA gets incorporated into the host cell and host cell DNA and direct the infect cell. जो cell infected हो चुकी है उनको direction देता है कि वो अपने उसके जो खुद के particle हैं वो बनाए, virus particles का formation करें, हाँ कि ना? So these macrophage continues to produce virus in this way. Act like a HIV factory, हाँ कि ना? Simultaneously क्या होता है? HIV enters into the helper T. देखो, बहुत important बात. ये क्या होता है? HIV उसके बाद क्या होता है? T lymphocyte में वो भी cells है. उनको उनके अंदर enter करता है, उनके अंदर replication करता है और अपना progeny का formation करता है. The progeny of virus these are being released to a progressive decrease in number of T helper cell. तो जब भी HIV अटैक करेगा, तो टी हेल्पर सेल का नंबर काफी कम हो जाएगा, आगे ना? टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा बॉडी में ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन में. बात समझ में आ रही क्या? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐसे पर्सन के पास क्या क्या सिम्टम आ सकती है? उनको बॉल्ट हो सकता है, फीवर, मतलब कि एक रेगुलर टाइम पे फीवर आती रहेगी, फीवर आया और गया, ये HIV मतलब एड्स का सिम्टम है, फीवर आया और गया. डायरिया होगा, रनी नोज होगी, नजला वगैरह एक रेगुलर लगा रहेगा, कफिंग होगी, वेट लॉस होगा. ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये इसलिए बढ़ती है ताकि उसको हेल्प कर सके, आगे ना? बोलो ना. दैट पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम टॉक्सो व्हाट वी कैन से सफरिंग फ्रॉम infection that could be otherwise due to also bacteria, that is mycobacterium viruses. It may also due to fungi, it may also due to parasite like toxoplasma, that patient becomes now immunodeficient. आगे ना, मतलब यही तो होता है AIDS के अंदर कि HIV जो कि virus है immune system को क्या करता है, अपने अंदर से पूरा खाली कर देता है, मतलब खोखला कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया होता है. इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन कॉज करता रहता है और ये पर्सन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन हाँ क्योर करके हम इसकी लॉन्गिविटी को बढ़ा सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में सबको आई? हाँ सर, समझा. पक्का? हाँ सर. नेक्स्ट इसमें लिखिए ट्रांसमिशन, कि कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन? एड्स.
ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। क्लियर? बताओ क्या क्या इसका रूट हो सकता है, कौन कौन बताएगा? पहला रूट क्या होगा? सेक्सुअल रूट। सर ड्यू टू सिरिंज नीडल वो सब शेयर करना। ड्यू टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर और द प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट का मतलब लोगों को पता होगा, होमोसेक्सुअलिटी, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, इन सब के थ्रू मैं इसमें लिख देता हूं। सेक्सुअल रूट में क्या क्या आएगा? ड्यू टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, मल्टीपल क्लियर है, प्रोस्टिट्यूट्स, ये मालूम है आप लोगों को? अरे मतलब मालूम है। अगला है होमोसेक्सुअलिटी, मतलब मेल मेल फीमेल फीमेल, हाँ कि ना। एआई आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन क्लियर है? बट वो तो एक मेथड है ना हमारा, तो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन तो एक मेथड हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ ये है, तो सर उससे एड्स होगा तो वो मेथड क्यों अपनाते हैं फिर? वेरी वेरी इक्विपमेंट के लिए आर्टिफिशियल, अरे जब उनको एड्स होगा तब ना, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन से नहीं होती है। अगर वो ये जो मैंने लिखा है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो जरूरी हो ना कि इससे एड्स हो। अगर उनको एड्स है तो इनके पास संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा उसमें मतलब देखा जाता है ना पहले कि उस इंसान को एड्स होगा कि नहीं होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऐसा है तो, क्योंकि आर्टिफिशियल में बॉडी कॉन्टेक्ट तो होने लगती है कि हाँ। उसको मैं उसके जो अपने बॉडी के सेल जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करे, डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया था फर्टिलाइजेशन के लिए, बात समझ रहे हो? अगर उसके अंदर है तो वो हो जाएगा। अच्छा वो देखा नहीं जाता मतलब उस चीज में ना, अब वो डॉक्टर इंसान को एड्स होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में चांसेस होती है कि वो ऐसा हो, बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए पेरेंटल लूट, अगर पेरेंट्स में किसी को है पेरेंटल रूट, सर मतलब वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर मतलब जो हम लोग मेथड्स अपनाते हैं उसमें एड्स होने के चांसेस है ना फिर किसी में भी, जो आपके पास बैरियर है, जो बैर जो कवर करता है ऑर्गेन्स को, उसके थ्रू कम चांसेस है। बाद बाकी जो हम लोग अंदर इंसर्ट करके रखते हैं उनके थ्रू, मतलब फ्लूड का एड्स का मतलब है फ्लूड कॉन्टेक्ट हुआ तो एड्स तो होगा। लेकिन कॉन्डोम में क्या होता है, मेल कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम में क्या होता है कि ये इसके अंदर फ्लूड की कॉन्टेक्ट नहीं होती, दिस इंटायरली कवर्ड द वेजाइनल लाइनिंग एज वेल एज द पेनिस, देयर इज ओनली एक्सटर्नल बॉडी कॉन्टेक्ट नॉट इंटरनल, देयर इज अ बैरियर बिटवीन द वेजाइना एंड द पेनिस, दैट्स व्हाई दिस डिजीज कैनॉट स्प्रेड थ्रू एट द टाइम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बट चांसेस हो सकता है, आगे ना ब्लड कॉन्टेक्ट, आगे ना ब्लड कॉन्टेक्ट किस हिसाब से, जैसे मान लो जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जो लोग टैटू बनाते हैं, कि मान लो किसी एक को बना टैटू, मतलब पूरे स्किन में वो काट करके बनाया जाता है, आगे ना, तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं पुअरली स्टरलाइज डेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज करके, पुअरली मतलब सलाइवा से भी हो सकता है, सलाइवा मैंने कहा बोला, स्टरलाइज बोला मैंने, तो सर हाँ तो डेंटल में तो मुंह में ही काम करेंगे ना, वो थोड़ी ब्लड से करें। सुनो सुनो इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ ये डेंटिन क्यों है, क्योंकि वहां पे जब हम गम्स, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग भी आती है जब हम लोग दांत का ट्रीटमेंट करते हैं, पुअरली कौन सा मैंने लिखा यार, डेंटल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट,
एट दैट टाइम जब गम्स में आपका ये इंस्ट्रूमेंट लगती है तो उस दौरान ये वहां से ब्लीडिंग भी होती है, तो ऑब्वियसली फ्लूड का कॉन्टेक्ट होगा तो होगा ना, समझ रहे हो। सिर्फ यही नहीं, जितने भी ऑपरेशन वाले काम होते हैं अगर वो पुअरली स्टरलाइज है तो संभावना इनकी चांसेस तो बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लड कॉन्टेक्ट थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, टैटू बनाने से हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल रोग। ये तो मतलब समझ में आ रही होगी आप लोगों को? अरे समझ में तो आ रही होगी, हाँ कि ना? मदर टू फीटस, अगर मदर को है तो फीटस को होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और पूरे बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू तो होगा ना, बोलो ना। इट इज अप्रोक्स 33% के आसपास ये होती है। अगला है मदर टू इन्फेंट्स, मदर टू इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब मालूम है क्या? बर्थ के बाद या बर्थ से पहले? बाद में। ये किसके कैसे होगा? इसको बोलते हैं पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन, पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन। क्लियर? बाय कोलोस्ट्रम। अरे कोलोस्ट्रम भी तो क्या होता है, मिल्क में पाया जाता है ना, बोल दो कोलोस्ट्रम। कोई दिक्कत है क्या, बोलो? नो सर। तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा और द कोलोस्टम। आगे ना, आगे बढ़ू क्या मैं? बोलो। नहीं सर, एक मिनट। एक मिसकंसेप्शन होती है कि एड्स वाले पेशेंट को टच करेंगे, किस करेंगे, हग करेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा, इसलिए उसके साथ उनके साथ दूरी बनाए रखी जाती है। क्या रखी जाती है? दूरी बनाए रखी जाती है। तो आई मीन टू से कि ये सारे के सारे क्या है, मीथ्स है, ये मिसकंसेप्शन है। एड्स सिर्फ और सिर्फ फैलेगा फ्लूड के कॉन्टेक्ट से, हाँ कि ना? सो इसमें इसलिए इंसर्ट ने पॉइंट लिखा है कि एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू मियर टच, फिजिकल कॉन्टेक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, shaking hand, mosquito bites, coughing, sneezing, looking after AIDS patient. तो इन सारे चीज करने से AIDS नहीं हो सकता, unless and until there is fluid contact. बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ो। नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, मिसकंसेप्शन मींस कंसेप्शन। वो मिसकंसेप्शन क्या है बोलो? एड्स डू नॉट स्प्रेड through mere touch, physical contact, hugging, hugging मतलब kissing, आगे ना, sharing means, yes sir, and shaking hands, mosquito ke bite se, coughing se, इन सब चीज से other disease हो सकती है, समझ रहे हो ना? other disease
हो सकती है, लेकिन एड्स तो नहीं होगा। स्नीजिंग हो गया और लुकिंग आफ्टर एड्स पेशेंट, जो ऐसे इसमें रहेगा उनको एड्स, अगर सामने वालों को एड्स है तो उनके थ्रू नहीं होगा। हाँ कि ना? एड्स पेशेंट्स। हाँ सर, कोई दिक्कत? सो एट लास्ट आई विल से वन पॉइंट दैट इट स्प्रेड्स ओनली, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। क्लियर? अच्छा, जब ये इन्फेक्शन होता है ना, तो इन्फेक्शन हमें मालूम चलने से पहले और इन्फेक्शन होने से जब तक हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग पीरियड में नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? अलग अलग पीरियड पे लेते हैं। आगे बढ़ूं मैं? सर 1 मिनट। हाँ सर, हाँ, इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स तौर पे पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला लिखिए इनक्यूबेशन पीरियड, आपने नाम तो सुना होगा इसका, सुना है? तो जब तक वो रहता है ना बॉडी में इन्फेक्शन, स्टार्टिंग नहीं, टाइम से कितना? जब से ये बॉडी में इंटर करता है, इसमें लिखिए द टाइम इंटरवल और द जब तक पीरियड। तो बॉडी को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। हाँ, द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपियरेंस, अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स, जब तक हमें सिम्टम्स ना मालूम चल जाए, इज कॉल्ड सो, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ कि ना? अरे बोलो ना, हाँ सर, कोई दिक्कत है? बोलो। नेक्स्ट होता है विंडो पीरियड, जिसे हम लोगों ने बात किया था ना, फर्टाइल विंडो। अरे बोलो ना, फर्टाइल विंडो हाँ के बारे सर, में बात किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बोला था आपने। हाँ, जहां पर ओव्यूलेशन होता है, जहां फर्टिलाइजेशन होने की संभावना जाते थे। सो इट इज द पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, आगे ना, टू द टाइम, टू द टाइम व्हेन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, इट कैन बी लेबोरेटिकली अपने विंड पीरियड लिख दिया, विंडो आए वाला। से कर दो मैं उसको। विंडो पीरियड, जब तक कि उसका हम लोग टेस्ट न करा लें, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। हाँ कि ना? अगर इनके सिम्टम्स के बारे में बात करूं, इनके अगर सिम्टम्स के बारे में बात करूं, तो इनिशियली जब से ये अपने बॉडी में इंटर करेगा, अराउंड अप टू 5 to 10 years तक ये असिम्टोमेटिक रहेगा। तो सोच इस 5 से 10 साल के अंदर वो क्या क्या नहीं कर सकता है। अरे बोलो ना, क्या क्या गुल नहीं खिला सकता है वो, बोलो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वायरस की बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग?
सो इट इज द टाइम लैग, इट इज द टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिंड्रोम, और ये 5 से 10 साल के बीच वेराई कर सकता है। तो सोच इस 5 से 10 साल में, इसीलिए तो इतनी खतरनाक बीमारी होती है ये, तो इनका ना टाइम लैग बहुत ज्यादा होता है जब तक कि सिम्टम आने लगे, ये अंदर अंदर सारे सेल्स को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। तो इंक्यूबेशन और विंडो में वो समझा नहीं क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल सेम ही बोल रहा है, कैसे सेम है? ये जब बॉडी में पैथोजन एंट्री किया है सुना, और जब सिम्टम्स तुम्हें दिखने लगेगा उसे इंक्यूबेशन पीरियड, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अंदर आने के बाद अभी तक वो उसने अभी अच्छी तरीके से हमला नहीं किया है, अभी अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स उससे लड़ रहा है, आगे ना। तो इन जब तक ये सिम्टम हमें दिखाई ना दे उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? yes, जब वो इन्फेक्शन हुआ, अरे सिम्टम हो तभी तो इन्फेक्शन होगा ना, मतलब सिम्टम के बाद से हम विंडो पीरियड मानते हैं, जब तक कि हमें टेस्ट ना मालूम चल जाए उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होती है? एक टाइम लैग होती है, टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन एंड appearance and appearance of AIDS symptom, of AIDS symptom, इसको क्या बोलते हैं? और ये कितना होता हो सकता है? 5 to 10 years, it may vary from person to person। ये 5 से 10 साल तक ले सकता है सिम्टम्स को अपीयर होने के लिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जीना समझ में आ रहा है? भूमिका, तनुश्री, हर्ष, ऋतिका, इसके लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट का नाम होता है एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म, एलिजा का फुल फॉर्म एलिजाबेथ, एलिजाबेथ अरे बोलो, एलिजा का फुल फॉर्म नहीं पता, एंजाइम सुना था एलिजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आगे ना। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अभी बताऊंगा स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है, क्लियर है क्या? तो यूजुअली इट टेक्स 5 to 10 years ताकि जब तक सिम्टम्स आने लगे। इनिशियली जब हम लोग अगर इसका टेस्ट करेंगे 2 से लेकर 12 हफ्ते तक, मतलब 3 महीने, अप्रोक्स 2 वीक टू 3 मंथ्स तक, इनका इनके अपने बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बनती है उसका कंसेंट्रेशन नैनोग्राम से भी कम होती है, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता, इसलिए उस टाइम एलिजा टेस्ट नेगेटिव होती है, और उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। क्लियर? इन्फेक्टिविटी और एक्टिवनेस ऑफ वायरस इज मैक्सिमम इन दिस पीरियड। विंडो पीरियड के अंदर इनकी एक्टिवनेस और द इन्फेक्टिविटी, मतलब इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है विंडो पीरियड में। क्लियर है? फिर एक टाइम आएगा जो कि बहुत बुरी तरीके से एड्स का एक्सप्रेशन होगा, मतलब उसको बोलते हैं फुल ब्लॉन एड बोलते हैं। That at the time that patient, the patient becomes severely immunodeficient, at this time the lymphocyte or the CD4 count is less than 200 into 10 to the power 6 per liter. जो normal जो उसका जो normal जो चाहिए होता है वो 900 into 10 to the power 6, approx 4.5 times कम हो जाती है, आगे ना। ये 900 है, ये 200 है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब वापस समझा रही है। देखो जब फुल ब्लोन एड्स होती है, जब
फुल ब्लॉन्ड एड्स होती है तो ये टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है इसकी काउंट इतनी हो जाती है या इससे कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मल हमें नॉर्मल देखो जब भी आप टेस्ट करते हो ना, एक तरफ नॉर्मल एक कॉलम में नॉर्मल रेंज दिया होता है और बीच में आपके से आपके सैंपल में कितना पाया गया वो लिखा होता है। तो नॉर्मली हमें इससे ज्यादा चाहिए होता है, मतलब नॉर्मल सेल में टी लिम्फोसाइट इससे ज्यादा होता है। जब फुल ब्लोन एड्स आने लगता है तो ये टी लिम्फोसाइट जो होती है इतना या इससे कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स या ब्लोन एड्स, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, इसकी जरूरत नहीं है आपको? नहीं सर। समझ में सबको आया? मैं आगे बढ़ूं? इस दौरान आपको टीवी भी हो सकता है क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम एवियम आ सकता है, कुछ फंगस के थ्रू भी डिजीज हो सकती है, कैंडिडियासिस ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस बाय फंगस, कैंडिडा एल्विकेंस, निमोनिया हो सकता है, निमोसिस्टिस कैरिनी, कप स्किन कैंसर हो सकता है, लिम्फ नोड हो सकता है, लिम्फ नोड में कैंसर हो सकता है जिनको बोलते हैं कपोसी सार्कोमा बोलते हैं, हाँ कि ना। इस तरीके से All these, most of the infections are due to the opportunistic infection. They will appear when the immunity is weak. अगर आपका immune system weak है, तभी ये appear होगा. Otherwise, ये appear नहीं होगा. Clear? So moving to next, इसमें next लिखिए investigation. क्या लिखिए? Investigation. कैसे पता करते हैं कि क्या है? हाँ कि ना? इसके लिए हम लोग पहला करते हैं screening test. स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इनका टेस्ट स्क्रीन में करते हैं, हाँ कि ना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है उसमें जो उसका एक्सरे मशीन होती है, क्या होती है, जो उसका मशीन होती है, एक्चुअली नीचे क्या होता है, एक ग्लास होती है, एक ऊपर एक ग्लास होती है और यहाँ पर ब्रेस्ट को रखी जाती है, मतलब जैसे मान लो ठीक है, ये उसका बॉडी पार्ट हो गया, ब्रेस्ट को यहाँ रख करके इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। इसे ये पता करने की कोशिश करता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो जो जो सेल है किधर है या है कि भी नहीं, तो इनके थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आप गूगल में सर्च करो तो आपको मालूम चलेगा, आप कुछ वहां पे इमेज दिखेगा तो वैसे मालूम चलेगा दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ कि ना सर। और एलिजा टेस्ट के बारे में आपने कुछ लिखा है नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं? हाँ। तो स्क्रीन टेस्ट में क्या होता है, एक तो हम उस तरीके से करते हैं, यहाँ पर क्या होता है स्क्रीन टेस्ट में, हम लोग एलिजा का नाम लेते हैं, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, जहाँ पे हम लोग असेसमेंट करते हैं उन डिजीज का, दैट इज एलिजा। क्लियर? इसके लिए एक नेक्स्ट टेस्ट होती है, इसको बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट। एलिजा में क्या करते हैं हम लोग, उसके सीरम को लेते हैं, उनके वहां से सैंपल को लेते हैं और उनके जो नंबर ऑफ सेल्स है ना उसको पीसीआर के थ्रू उसको बढ़ाते हैं, अगर है तो दिख जाएगा ना, अगर एक भी है तो मल्टीप्लाई करेगा वो ड्यूरिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे हाँ कि ना? Yes, तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग वो सॉर्बेंट है ना, सॉर्बेंट ऐसे, सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे या असे बोलो, आगे ना। इसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो करते हैं हम लोग वो उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ये एक टेक्निक होती है जिनके थ्रू हम लोग उसको जानते हैं, आगे ना। इनके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट
विच डिटेक्ट्स, ऑब्वियसली कोई भी वायरस आएगा तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तो बनेगी, अरे हाँ कि ना, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इन पेशेंट्स सीरम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो तो। Yes. इसके अंदर जो एंजाइम होती है इसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेट को यूज किया जाता है, किसको? अल्कलाइन फॉस्फेट को यूज करते हैं एंड परोक्सीडेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता है एलिजा में, आगे ना, एलिजा इसलिए यूज करते हैं, ये कि अच्छी टेक्निक है जहां पर हमें क्विक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के थ्रू डिटेक्शन होता है बहुत सारे पैथोजेंस के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, एलर्जेंस के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, हाँ कि ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ो क्या मैं, मूव टू नेक्स्ट। इन एलिजा क्या क्या हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा गया नीट पे। अल्केलाइन फॉस्फेट, फॉस्फेटेज और परोक्सीडेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल होती है, हाँ कि ना। हैव क्विक टेस्ट, क्विक डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ पैथोजेंस, डिसऑर्डर्स, एलर्जेंस, थोड़ा फास्ट लिखना, एंड हॉर्मोन्स। लाइक ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं। पहला तो प्रेगनेंसी टेस्ट, हाँ कि ना, इसके लिए एक आपको YouTube में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, हाँ कि ना। प्रेगनेंसी टेस्ट ये किसके थ्रू होता है, SCG याद है क्या, इन यूरिन और ब्लड, और इसको टेस्ट करने के लिए मॉर्निंग का सैंपल लेते हैं, क्योंकि उस टाइम कंसेंट्रेशन, क्योंकि वो बाहर निकलता नहीं है तो उस टाइम ज्यादा इकट्ठा होगा, तो मतलब SCG का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, आगे ना। कैसे टेस्ट करते हैं इसके लिए आई हैव मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच इट इन इन माय चैनल, ओके, इन यूरिन और ब्लड, कोई दिक्कत। दूसरा संभावना क्या हो सकती है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, HIV, AIDS या HIV, हाँ कि ना, AIDS और HIV इन्फेक्शन, क्या इतनी बात याद रखोगे? हाँ सर। हेपेटाइटिस को भी टेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, हेपेटाइटिस, STDs, हाँ कि ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक होता है रूबेला वायरस, रूबेला वायरस इन्फेक्शन, कोई दिक्कत। एक आपके पास क्या है, थायराइड डिसऑर्डर, क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? अगर आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ा होगा NCERT, उसमें एक टर्म लिखा है AZT, पढ़ा है क्या सर? AZT, एजिडोथायमिडीन, पढ़ा है? कौन से चैप्टर में बात कर रहे हो? केमिस्ट्री 11 के आई थिंक एनवायरनमेंट में होगा या फर्स्ट में होगा, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा ढंग से अभी तक। हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एड्स के लिए कौन सी चीज का हम लोग यूज करते हैं। देखो सिंपल सी बात, कोई परमानेंट तो क्योर है नहीं, लेकिन हम इनकी लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं बाय क्योर करके, हाँ कि ना। तो इनका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, जिसको वो वायरस यूज करेगा उनको हम लोग इनहिबिट करने के लिए कुछ चीज यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
बोलो ना, हम तो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि अपने पास ऐसा ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है नहीं, तो ट्रीटमेंट में लिखना। वैसे मैं क्यों लिखूं सर, मैसेज में बोलता हूँ, ठीक है, समझ जाओ क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ, एक होता है ज़िडोव्यूडीन, क्या होता है ज़िडोव्यूडीन, शॉर्ट में बोलते हैं AZT, इसको बोलते हैं एजिडोथायमेडीन भी बोलते हैं, एजिडोथायमेडीन भी बोलते हैं। ये किसल क्या करेगा, जो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था उसको इनहिबिट कर देगा, जब उसी को इनहिबिट कर देगा तो क्या बोलो, वायरस डीएनए बना पाएगा, जब नहीं बना पाएगा, बना पाएगा तो डीएनए अपना होस्ट के जीनोम को अटैक नहीं कर पाएगा, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, बोलो ना। इसी तरह का होता है स्टेव्यूडीन, क्लियर है? कुछ होता है प्रोटीएज इनहिबिटर, जो एंजाइम से काम करता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हार्ट नाम से ट्रीटमेंट, क्या होता है हार्ट, हार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईली एक्टिव, इसका फुल फॉर्म लिख लो, हार्ट का फुल फॉर्म हाईली एक्टिव, लिखना है हमें नेम, छोड़ दो, हाईली एक्टिव एंटी, तो सर ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसका नाम लिखना है, ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, ट्रीटमेंट कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये हार्ट का फुल फॉर्म लिखना, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब ऐसे केस में क्या करते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकटेल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉकटेल ट्रीटमेंट, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली देखो, जिस वजह से वो इन्फेक्शन इनकॉर्पोरेट कर पाता है, अगर वो हम चीज ही हटा दें, उसी को इनहिबिट कर दें, तो क्या ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हाँ या ना? ना सर, कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। हाँ, तो हार्ट का फुल फॉर्म लिख लिया आपने, इसी को हार्ट को बोलते हैं कॉकटेल ट्रीटमेंट, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज किया जाता है और ड्रग्स इनहिबिटर यूज किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? समझा सर। ट्रीटमेंट से हम लोग पार्शियली इफेक्टिव कर सकते हैं, पार्शियली इफेक्टिव हो सकते हैं, ओनली लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट कैनॉट प्रिवेंट डेथ, विच इज एन इनएविटेबल, जो कि होनी ही है, क्लियर है? इनके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन मेजर्स लेना पड़ता है, वो क्या है, इसको आप अच्छे से एनसाइटी से पढ़ना, समझ में, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? प्रिवेंशन में क्या है, एड्स हैज नो क्योर, पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा आपको, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, हाउएवर एचआईवी इन्फेक्शन जो होती है मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, मतलब लापरवाही वाली से, समझ में आ रहा है क्या, एंड नॉट समथिंग दैट हैपन एक्सीडेंटली, आपको पता है कि ऐसा काम करेंगे तो यू आर गेटिंग ऑफ चांसेस और यू आर वल्नरेबल फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए हम लोग एक्सीडेंटली नहीं बोल सकते, जानबूझ के ऐसा की जाती है कि मालूम है ऐसा करने से, पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर भी वो करेगा, तो ऑब्वियसली इसको एड्स क्या, एक बार क्या, हजार बार होना चाहिए, ठीक है? आई मीन टू से कि जब आपको पता है कि इससे हमें बीमारी हो सकती है, तो यू शुड अवॉइड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स जिससे आपकी लाइफ को खतरा है, as we are the most precious resource in the earth, hai ki na, and the superior organism, kya meri baat samajh mein aa rahi hai sir? But aids to unknowingly bhi ho sakta hai na, jaise ki jo contraceptives use karta hai, nahi aap jo keh rahe ho precautions lene ke bawajood bhi ho sakta hai, nahi aap jo keh rahe ho wo theek hai, to ye uski galti fir na, for example koi aapke paas male partner hai, koi female partner hai, maan leta hu ki male ko infection hai, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे बताए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज सर, बट अगर उसको खुद ही नहीं पता रहेगा तो कैसे, कुछ तो सिम्टम आएगी ना, कुछ तो मालूम चलेगा ना। हाँ, अगर ऐसा है, देखो ये यूं ही जामनता नहीं होती है,
ये कुछ एरियाज होती है जहां पर ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, और ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल जी जो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बहुत कॉमन है, तो वहां पर तो ये आम सी हो सकती है। तो वहां पर अगर ऐसा मैरिज या ऐसा कॉन्टेक्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट यू कैन डायग्नोज इट। इसके लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे ये इस एड्स के लिए कोई भी किसी को भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन डिपेंड करेगा अगर उसका बिहेवियर ऐसा है तो, अगर फीमेल को है तो उसे चाहिए कि इसे बताए। इससे एक फायदा ये होगा, ये तीसरा आएगा उसको ये तो नहीं होगा आगे ना, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा बीमारी को फैलाने से बचा सकते हैं। अब मान लो पहले इसको था, आप इनके साथ रहने से इनको हो जाएगा या इनके साथ रहने से इसको हो जाएगा, कम से कम तीसरा तो ना आए कि उसको भी एड्स हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको अपने इंडिया में एक इनके लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं नाको। क्या बोलते हैं? नाको। नाको का फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल एड्स क्या है सही है, क्या लिखना है इसके बारे में? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू मतलब लोगों को जागरूक करता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ये मैं बात बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ रहा है? बोलते हैं नाको। एंड कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओज होती है। क्या होती है? एनजीओज होती है, लोगों को जागरूक करती है और फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एक मूवी था, कौन सा था वो, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, एक छोटा सा बच्चा होता है, आई थिंक मुंबई बेस्ड में मूवी है वो। तो वो ना क्या, एक लेडी होती है उसको बोलता है कि जा फ्री में कॉन्डम बांटते हो, इसमें इतना पैसा मिलेंगे। तो बच्चा मतलब आए हुए रास्ते में जाता हुआ बच्चा किसी को पूछ देता है कि मैम ये ले लीजिए, तो सब शर्मा के क्यों ले, वैसे मुफ्त मिलने से सब लेगा लेकिन शर्मा के क्यों ले, लोग देख लेगा। तो बच्चा जो होता है ना मतलब कि मतलब उसमें दिखाया गया कि बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चा क्या 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 कर रहा है। एक ऐसी एक सलम वाली एरियाज पे बेस्ड मूवी है, समझ रहे हो। तो कभी टाइम मिले तो देख लेना, उसमें है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मूवी का नाम ही है, समझ रहे हो। हाँ सर, तो इनके थ्रू मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बताया जाता है कि इस तरीके से मतलब जो भी उनका प्रिवेंटिव मेजर्स है वो उनको लोगों को समझाया जाता है, या अगर किसी को है तो वो घबराए ना, डॉक्टर की सलाह ले, या किसी ऐसे किसी से ऐसा बात जो आपको समझा सके, जो आपको ख्याल रख सके, केयर कर सके। जहाँ पर कॉन्डम्स सब लोग प्रीफर नहीं कर पाते या सब लोग नहीं ले सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, हाँ कि ना। इसलिए लोगों को एजुकेट कर सके रिगार्डिंग दिस डिजीज, कि इसलिए आप ऐसे अननोइंगली इस तरह का बिहेवियर ना अपनाएं जिनकी वजह से आपको ऐसा बीमारी हो सकता है। और इनके साथ साथ WHO भी बहुत सारा उसका प्रोग्राम चलता है, सो दैट के HIV का इन्फेक्शन को स्प्रेड से प्रिवेंट किया जाए, है कि ना। तो NGOs हो गया, NGO इसमें लिख दिया मैंने, WHO, इन सब के तरफ से कुछ प्रोग्राम चलती है लोग पब्लिक को, मेन मोटर पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। जब पब्लिक एजुकेट, देखो पढ़े लिखे तो है, पैसे को बोलते हैं क्या, बोल क्या पैसे को क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे, हाँ गवार। गवार बोलते हैं, मतलब जानकार सब कुछ है, फिर भी अगर ऐसा बिहेवियर अपनाओगे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो होगा ना। और ये ऐसा खतरनाक डिजीज है जो उस इंसान के उस पूरे सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है। अब उससे बच्चे आएंगे, उसको होगा, फिर वो शादी करेगा, फिर उसको होगा, ये फिर चलता रहेगा ना, हाँ कि ना। इतना लिखा आप लोगों ने। कमिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लिखे कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस कैंसर. कैंसर का एक साइन होता है, उसको बोलते हैं जोडाइक साइन, हाँ कि ना. और कैंसर वर्ड आया है एक क्या कुछ हम लोग कोई एक कोई बाहर को मतलब फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन से कोई एक वर्ड होती है जिनका मतलब क्या होता है एक तरीके से सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ. बेसिकली ये होती है माइटोसिस ही, ये सेल की ग्रोथ ही होती है, सेल की ग्रोथ ही होती है, लेकिन वो एबनॉर्मल होती है, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होती है. ये जो कैंसर वर्ड आया है ना, वर्ड आया है क्रेब्स से, आगे ना. तो कुछ ये जो बाहर कुछ मतलब कोई कंट्री पहले से था जहां पर क्रेब्स को कंज्यूम करने वाले लोग इनकी वजह से इनके कंजम्पशन से ही क्या होता था कैंसर होती थी, इसलिए वहीं से कैंसर आया. और इसका जोड़ाइक साइन कैसा होता है, उस क्रेब जैसा होता है, आगे ना. बात समझ में आ रही है? तो कुछ हम लोग कॉमन कैंसर की बात करते हैं, आगे ना. लिखेगा पहला पॉइंट देकर के, ये सवाल पूछी जाती है ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर मेल में होगा फीमेल में होगा? फीमेल में. ना मेल में, फीमेल में सर. पक्का सर? क्लाइंट फिल्टर में भी हो सकता है? नहीं ना, उनमें भी तो हो जाता है ना, मतलब गायनेकोमास्टी हो. गायनेकोमास्टी होता है पर वो ब्रेस्ट फीमेल की तरह नहीं होता है. हाँ ओके सर. मॉर्निंग सर. प्रोस्टेट? सॉरी सर, सो गया था सर, मैंने देखा नहीं सर. तो ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल्स. क्या बोला मैंने? ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था क्या हम लोगों ने बीपीएस के बारे में? पढ़ा था सर. हाँ, दीज आर कॉमन इन फीमेल. प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, वहां पर भी ना उसका इनलार्जमेंट हो जाती है, है कि ना. एंड दैट इज वेरी वेरी अनबियरेबल पेन, एंड जिनकी वजह से यूरिनेशन भी नहीं हो पाती है. तो इनके थ्रू लेजर रेस के थ्रू इनको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको फिर खत्म की जाती है, हाँ कि ना. लेकिन ट्रीटमेंट की जाती है. तो ब्रेस्ट कैंसर इन मेल्स, प्रोस्टेट कैंसर इन फीमेल्स, दीज आर कॉमन, दीज आर कॉमन इंसिडेंट्स इन वर्ल्ड, आगे ना. वर्ल्ड में अगर सबसे कॉमन होगा तो ब्रेस्ट कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है. क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अगर दूसरा बात करूं मैं, सर्वाइकल कैंसर क्या होती है? सर्विक्स. क्या नेक वाला सर्विक्स? नहीं, मतलब यूटेराइन. हाँ यूटेरिन का. हाँ सर, यूटेराइन सर्विक्स. वैसे वो सर्वाइकल वर्टी भी, वो सर्विक्स नहीं होती, आगे ना. कैंसर इन फीमेल, देखो कैन का सर लगा दिए तो क्या हो गया, कैंसर. बात समझ में आ रही है? इन फीमेल्स एंड ओरल कैंसर. अरे माउथ कैंसर को क्या बोलते हैं? ओरल कैंसर बोलते हैं ना. ओरल कैंसर इन आर कॉमन इन इंडिया. सवाल आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर कौन कौन सा है, तो आप क्या पूछोगे? सर मेल की बात कर रहे हो या फीमेल की बात कर रहे हो? तो मेल में पूछो तो कौन सा होगा? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर. ओरल कैंसर. ओरल कैंसर. मेल में उसने ब्रेस्ट कैंसर कर दिया. सर आपने फीमेल पूछा अभी. मेल पूछा मैंने. तो सर उसमें प्रोस्टेट कैंसर. अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. इंडिया में ओरल कैंसर कॉमन है. अच्छा हाँ. इंडिया में मेल में ओरल कैंसर, फीमेल में. मैंने पूछा कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, तो आप क्या पूछोगे कि सर मेल की बात करो या फीमेल की? तो फीमेल में होता है सर्वाइकल कैंसर, मतलब यूटेराइन सर्विक्स वाला कैंसर, और मेल में क्या होता है?
ऑरल कैंसर हाँ कि ना। अगर वर्ल्ड पे पूछा जाए तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर क्यों है हो सकता है आप समझ रहे हो, अभी हमने पढ़ा भी ना प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में और कुछ वगैरह वगैरह ईटी एटसेट्रा हाँ कि ना, इसकी वजह से इनका नंबर ज्यादा है। क्या इतनी बात मेरे समझ में आ रही है? लंग कैंसर की वजह से जितनी भी डेथ होती है उनमें से लंग कैंसर की वजह से 31% टोटल डेथ का ऑफ ऑल कैंसर डेथ, ऑल कैंसर डेथ होती है हाँ कि ना। जितने भी कैंसर की वजह से डेथ होती है तो 31.1% किन की वजह से होती है? लंग कैंसर की वजह से हाँ कि ना। बोलो तो yes, sir. इन ये मैन में है एंड लंग कैंसर 25% इन वुमेन। क्लियर? क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई? आगे बढ़ो yes. बोलो मूविंग टू नेक्स्ट। अगर कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन मिलियंस ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली हाँ कि ना। पहले जूझते हैं लड़ते लड़ते लास्ट में मौत आती है। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि कैंसर की वजह से इसकी मौत हो गई उसकी मौत हो गई ये मर गया वो मर गया, सुना है कि नहीं सुना है? बोलो। तो कैंसर जो वर्ड आया है लास्ट में लिखा था सर, कैंसर जो वर्ड आया है कहां से आया? क्रेब से। क्रेब एक उसको बोलते हैं ब्लू ग्रेब्स, एक ऑर्गेनिज्म होती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं इनको कंज्यूम करते थे तो इसकी वजह से कैंसर की वहां पर तादाद ज्यादा थी। तो उसी के नाम से वर्ड है क्रेब। क्रेब का मतलब होता है कैंसर। तो क्रेब के कंजम्पशन से कैंसर होता था क्योंकि कुछ केमिकल उसके अंदर पाए जाते थे जो कि अपने बॉडी के सेल्स कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको इनएक्टिव पहले इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करके वो कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन करवा देता है। आगे बढ़ूं थोड़ा जल्दी लिखो खत्म करना मुझे। हो गया हाँ। तो पहला पॉइंट लिखना है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज क्लियर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ ह्यूमन बींग एंड मेजर cause of death, major cause of death all over the globe, Akina, and millions of people die it annually, Akina. इनका जो mechanism होता है कैंसर का वो कैसा होता है? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और इसका दूसरा नाम होता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है रिपीट करो? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हाँ कि ना ऑफ सेल्स। ये नॉर्मल सेल्स ही कैंसर सेल्स में बनते हैं हाँ कि ना। और इसका ट्रीटमेंट वगैरह इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन हाँ कि ना।
ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह आती रहती है कि बोलता है कि मैंने इसका इलाज खोज लिया खोज लिया खोज लिया, टिल नाउ उसका प्रॉपर सब सारे क्या तो इलाज अभी मतलब अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं है। क्लियर? जितना आप इसको छेड़ोगे उतना ही बढ़ेगा, है कि ना? अगर जरा सी भी उसका वो हिस्सा रह गया तो फर्दर वो कॉज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक इसमें रिसर्च में मालूम चलता है कि भूखे रहने से जो ऑन्कोजिनिक सेल्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय की जाती है। जैसे आपको पता है ना, जब हम खाना नहीं खाते तो अपने बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती? हेलो, हाँ सर, होती है। आर यू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग लाइक दिस? देन ओके, इफ नॉट देन आई मैं सिर्फ अकेले बोलते चला जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ तो बात करो। तो मैंने क्या बोला कि जब हम भूखे रहते हैं तो जो ग्लाइकोजन एज ए स्टोर्ड फूड अपने बॉडी में रहती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब वो कम हो जाएगा तो प्रोटीन यूज होगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो इसी दौरान क्या होता है ना, कुछ ये ऑन्कोजेनिक जो डेड सेल होते हैं, जो हार्मफुल सेल होते हैं, ये इनको सेल्स ईटअप करते हैं, इसको इनगल्फ करके इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको ईटअप कर जाते हैं आगे ना। तो इनके थ्रू कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन पूरे यूनिवर्स जो है, पूरी दुनिया है, जिसको हम लोग जो फास्टिंग के तौर पर समझते हैं, ऐसा कुछ रिसर्च में ऐसा बताया जाता है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है, लेकिन इससे भी फर्क पड़ता है। क्लियर है? इनके दौरान क्या होता है कि इन सारे सेल्स को खा लेते हैं वो सेल्स, मैक्रोफेज वगैरह इनको खा लेता है, जिनकी वजह से ये सेल ना रहेगा ना इसको कैंसर करेगा आगे ना। अरे बात समझ में आई क्या? यस हाँ, अगर कैंसर को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैंसर को अगर डिफाइन करेंगे, बेसिकली इट इज अनकंट्रोल्ड, क्या बोला मैंने, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। कैंसर। पक्का? कैंसर वर्ड कहां से है? क्रेब से, क्योंकि क्रेब वो ब्लू क्रेब होती है जिनको कंज्यूम करने से क्या होती है, कैंसर होती है। हाँ कि ना? और जो इनकी वजह से जो जिन सेल की वजह से होता है उनको क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल बोलते हैं। सो द एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल एंड अनडिफरेंशिएटेड, अन डिफरेंशिएटेड सेल्स को क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? कैंसरस हाँ सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? आगे बढ़ो। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। देखो, जब अपने बॉडी में सेल की ग्रोथ होती, क्या होती है, सेल का जब ग्रोथ होती है तो नॉर्मली तरीके से एक से दो बनता है, हाँ कि ना? फिर दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आगे ना 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई करती रहती है। तो इसको ये जो ग्रोथ है ना, जो पूरा का पूरा ग्रोथ है, इट इज वेरी हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। क्या बोला मैंने, इट इज वेरी हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय जीन। अपने आप तो ग्रोथ होती नहीं ना, दीज आर अंडर सम कंट्रोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तो नॉर्मल सेल हो गया, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, ये कंट्रोल खो बैठता है, ये रेगुलेशन गड़बड़ हो जाती है, जिनकी वजह से वो एबनॉर्मल ग्रोथ और एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो जाती है और वो कैंसर का फॉर्मेशन करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हर सेल के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है, समझा। हर सेल के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं,
कि ना, ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सेल, एक सेल दूसरे सेल या अपने प्रोस के सेल को कंट्रोल्ड वे में रखता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकता है। हाँ कि ना, बोलो ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यही कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट बाई कैंसरस सेल। क्या मेरी बात समझ में आई? एक तो मैंने बताया कि ग्रोथ इन आवर बॉडी इज वेरी हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई जीन। दूसरा मैंने क्या बोला, हर सेल के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। दिस कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी रेगुलेट्स एंड चेक द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द नियर बाय सेल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? इन कैंसरस सेल दिस कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, due to which causes uncontrolled growth and the cancer cells appear and they have lost the contact inhibition property. As a result, cancerous cell just divide and give rise to masses of cell. To initially hota hai usko hum log tumor bolte hain. Kya meri baat yahan tak sabko samajh mein aayi? Yes sir. इसको मैं एक अरेंज वे में आपको, सर इनिशियली हम ट्यूमर कहते हैं, मतलब जो एक ही जगह पे होता है ना। हाँ, फिर ट्यूमर आपके पास दो टाइप की होती है, मतलब पढ़ेंगे आगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन आवर बॉडी जब नॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड इसका डिफरेंशिएशन, एंड इसका डिफरेंशिएशन आगे ना, डिफरेंशिएशन इज हाईली controlled and regulated. Clear? इसमें पहला point डाल के लिखिएगा, मतलब इसके अंदर पहला contradiction डाल के लिखिएगा, in cancerous cell There is breakdown of this mechanism. आगे ना, बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? समझा। ये कंट्रोलिंग पावर, ये रेगुलेशन, ये कैंसर के अंदर टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, कैंसरस सेल, मतलब नॉर्मल सेल, नॉट कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनहिबिशन, ठीक है। ये क्या करता है, इनकी वजह से, बाय विच एक मिनट, ये
ऐसा लिखिए ड्यू टू विच, ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्ट it is in contact with other cells, aage na inhibit uncontrolled growth. Kya yahan tak sabko samajh mein aa rahi hai? Inhibit there uncontrolled growth. आगे ना इसी के अंदर नेक्स्ट स्टडल के लिखना कैंसरस सेल ये भी चीज खो बैठती है. कैंसरस सेल लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. क्लियर है? यस सर. आगे बढ़ो क्या मैं? सर एक मिनट. नहीं सर. जिनकी वजह से एज ए रिजल्ट कैंसरस सेल सिर्फ वो जस्ट डिवाइड करता है, जस्ट डिवाइड continue to divide, ना उसको देखने वाला है, मतलब बिल्कुल लावारिस की तरह है. पता है ना लावारिस बच्चे कैसे पलते हैं? देखा आप लोगों ने? ना कोई इसको केयर करने वाला होता है, ना कोई माँ होता है, ना कोई बाप होता है, गंदे कुछ दे जा मन तक हो जो मन तो खा लेना. वैसे यहाँ कैंसर सेल क्या होता है, एक तरीके से लावारिस होती है. क्या होती है? लेकिन इतनी बड़ी लावारिस होती है कि इंसान को मौत के घाट तक उतार देते हैं. हाँ कि ना? जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड giving rise to masses of cell और इन्हीं को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ट्यूमर. क्या मेरी बात समझे? अरे हाँ कि ना? यस सर. ट्यूमर को MOR भी लिख सकते हैं, MOUR भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो अलग अलग उसका है, ठीक है? ये जो ट्यूमर है ये दो टाइप का होता है. कितने टाइप का? दो टाइप का होता है. जो इनिशियली होती है और एक ही जगह कन्फाइंड रहती है उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर. क्लियर? जो दूसरी वाली होती है जो एक जगह से दूसरी जगह होती है जो सबसे खतरनाक होती है उसको बोलते हैं, जो डिजीज कॉजिंग मतलब जो डेथ कॉजिंग होती है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. क्या मेरी बात समझे? हेलो, क्या मेरी बात समझे आप लोग? बोलो ना. यस सर. ये जो बिनाइन ट्यूमर है, क्या है? बिनाइन ट्यूमर है रिमेन confined to their original location. आगे ना? original location and do not spread to other parts. clear? parts of body
एंड कॉज लिटिल डैमेज एंड कॉज लिटिल डैमेज। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ जी, क्या यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ के ना बोलो। हेलो, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। नाम सुना होगा आपने, मेटास्टेसिस। आगे ना, दिस इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। बताइए क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करूं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, इसमें क्या होता है, प्रोलीफरेशन तो होती है, मतलब सेल्स की ग्रोथ तो होती है, और एक एक्युमुलेशन ऑफ मास होने लगती है। आगे ना, जब वो एक्युमुलेशन ऑफ मास होने लगती है उसको बोलते हैं न्यूओप्लास्टिक या ट्यूमर्स, न्यूओप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। क्लियर? एट द टाइम द सेल्स ग्रोज वेरी रैपिडली, दूसरे सेल्स को इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं, डैमेज करते हैं, और अपने सराउंडिंग सेल्स को भी, टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे स्टार्व द अदर नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर देयर वाइटल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। आगे ना, एट दैट प्लेस सेल्स आर स्लॉग्ड ऑफ फ्रॉम द रीच ऑफ सच ट्यूमर सेल्स। आगे ना, एंड दीज ट्यूमर सेल्स रीच अप टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड ऑर्गन, मतलब थ्रू ब्लड वास्कुलर सिस्टम, थ्रू ब्लड, फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हाँ कि ना बोलो। फिर वहां पे वो रुकेगा, फिर वहां पर वो न्यू ट्यूमर शुरू करेगा, इसी एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ फिर यहाँ पे कैंसर कोच किया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, वहां कौन, वहां रुका, फिर वहां कौन कैंसर कोच किया, फिर वहां से आगे कैंसर कोच किया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बात समझ में आई? ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इनिशियली आपके पास ट्यूमर यहां था, इसलिए हमने इसको बोला प्राइमरी ट्यूमर। अब वो यहां से ट्रेवल करेगा, आगे ना, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या होता है, वेसल लेमिना होती कि नहीं होती? होता है सर। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर करेगा, फिर क्योंकि अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो उनके थ्रू ये दूर तक जाएगा जहां जाना होगा। As these cells, cancer cell invade the surrounding tissue and the vessels, then finally enter into the blood vessels. Akina, next kya isme likha hai? Ki the cancer cells are transported by the circulatory system. Obviously yaar, koi bhi aayega usko to blood pressure ke through ek jagah se dusri jagah bhej dega. Fir kahin jahan pe usko jana hota hai, wahan pe jata hai, fir wahan pe wo infection ko, matlab ki wahan problem cause karta hai, fir wahan se bahar aa jata hai, matlab blood vessel se bahar. Fir yahan par aaya wo, फिर ये बीमारी कॉज किया, मतलब फिर ये ट्यूमर कॉज किया। सो यहाँ पे एट दिस साइट द कैंसर सेल री इन्वेड एंड ग्रो इनटू अ न्यू लोकेशन। फिर यहाँ के सेल जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो कहीं और जाएगा, फिर यहाँ पे कॉज करेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलती रहती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मैं से कोई डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेटास्टेसिस कैंसर की वो प्रॉपर्टी होती है जो एक बार जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर फिर क्या करता है, ट्यूमर के सेल्स, ये वो ट्यूमर है दैट वी कॉल एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि क्या करता है, एक जगह ग्रो करने के बाद, एक जगह कैंसर कॉज करने के बाद, फिर वहां से वो इन्फेक्ट करते हुए, कैंसर कॉज करते हुए आगे बढ़ता है, फिर वहां पे कैंसर कॉज करता है, फिर वहां से आगे बढ़ता है, फिर वहां पे कैंसर कॉज करता है। इस तरीके की प्रॉपर्टी जो बार बार लोकेशन चेंज करता रहता है और कैंसर कॉज करता रहता है, ट्यूमर कॉज करता रहता है, इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? समझा सर। मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? हाँ सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसको वीआईपी टॉपिक समझ सकते हैं आप। क्लियर? हाँ सर। इनके पास मेटास्टेसिस पाई जाती है, हाँ कि ना, एंड इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट भयानक वाली। प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे बढ़ूं? टाइप्स ऑफ कैंसर, क्लियर है? टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर दे अरोज। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कार्सिनोमा, हाँ कि ना। फिर कार्सिनोमा होता है, फिर हम लोग कार्सिनोमा को कुछ अलग तरीके से फिर डिफाइन करते हैं, हाँ कि ना। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, सार्कोमास बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ब्लड कैंसर बात करते हैं, क्लियर है क्या? इसमें पहला लिखिए, ये किस बेसिस पे है, उसके लोकेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है? लोकेशन के बेसिस पर। तो पहला लिखिए कार्सिनोमा, अरे हाँ कि ना। कार्सिनोमा वो कंडीशन है, द टाइप ऑफ कैंसर इन द दैट अराइज इन द एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि स्किन हो गया, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स हो गया, या ग्लैंड्स हो गया। जितने भी ट्यूमर होते हैं उनका 85% क्या होता है, कार्सिनोमास होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। इन दिस कैंसर अराइजेस इन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू सच एज स्किन, आगे ना, और एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल lining of internal organs or glands, clear? 85% of all tumors कौन सा होता है? carcinomas। बात समझे क्या? अरे बोलो, 85% ऑफ ऑल कैंसर क्या होती है? कार्सिनोमास होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो, ब्रेन कैंसर, हाँ सर, तो बोलेंगे ब्रेन कार्सिनोमा, क्लियर? अरे बोलो ना, ओरल कैंसर, तो बोलेंगे ओरल कार्सिनोमा, अरे हाँ कि ना। लंग कैंसर, तो बोलेंगे लंग कार्सिनोमा। बात समझ में आ रही है? आर्यन? हाँ सर। कोलोन पे होगा तो बोलेंगे कोलोन कार्सिनोमा, अगर आर पे होगा तो बोलेंगे आर कार्सिनोमा होगा, टी पे या ए पे, जिस पे जो होगा उस पे कार्सिनोमा लगा देंगे, अगर एपिथेलियल है या इंटरनल लाइनिंग पे है तो। क्लियर? सर्विक्स वाला है तो बोलेंगे सर्विकल कार्सिनोमा, क्लियर?
अरे समझ में, वर्ड से बोल लो। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जिनका कोई माँ नहीं उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, समझा क्या? जिसका कोई माँ नहीं उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, याद रखने के लिए। बात समझे क्या? जो ग्लैंड हाँ सिस्टम सर। है ना उसको बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो सब कार्सिनोमा। वो भी लिखवा दो ना, किसके लिए क्या है ये, एडिनो वाला नहीं पता था। हाँ तो इसमें लिखा देता हूँ ना, ग्लैंड ट्यूमर, ये थायराइड का हो गया। बात बाकी सबका समझ समझ में आ रहा है? लंग का लंग्स है, ब्रेन का ब्रेन है, ओरल का ओरल है, कॉलन का कॉलन है, सर्वाइकल का हाँ सर्वाइकल है, ब्रेस्ट का ब्रेस्ट है। अच्छा प्रोस्टेट का, वो भी तो ग्लैंड में आ जाएगा ना, तो एडिनो कार्सिनोमा में आएगा। अरे हाँ कि ना, यस सर। बोलो ना। हाँ सर समझा। आगे बढ़ूं? सर ने लिखे एग्जाम्पल एक। जल्दी लिख, एक स्टे डाल के पॉइंट लिखिएगा। मेलेनोमस और मेलेनो कार्सिनोमा, मेलेनो कार्सिनोमा, ठीक है। बेसिकली द कैंसरस ग्रोथ, द कैंसरस, एक मिनट, ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट्स, आगे ना, जैसे कि ये क्या है, मेलेनोसाइट क्या होती है? टाइप ऑफ स्किन सेल्स। क्लियर है क्या? दूसरा लिखेगा सार्कोमास, दूसरा क्या लिखेगा? सार्कोमास। बात याद रहेगी? ये वो टाइप ऑफ कैंसर क्या है, ट्यूमर है, कैंसर है, जो कि ऐसे टिश्यू पे हो जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन से हो। कहां से हो? मीजोडर्मल ओरिजिन, वहां के ना, ऐसा डिराइव फ्रॉम टिश्यूज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मेसोडर्मल ओरिजिन के कुछ टिश्यू का नाम बताना मुझे। हार्ट। अच्छा वेरी गुड, मतलब मैं क्या करूं फिर? सर जो हमारे मस्कुलर होते हैं वो जनरली मेसोडर्मल ही होता है ना, और जो नर्वस सिस्टम होता है समझे वो मैं क्या करूं, एक्टोडर्म। कीमा बनाऊं उसे क्या? कीमा नहीं सर सॉरी। बनाऊं उसका, बोलो। अरे बोलो, इतनी पक्की दोस्ती है। तो बोन्स हो गया, फैट्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब के सब कैसे होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, हर्ट तीनों में आता है। क्लियर तो है? एनसीईआरटी में मेजोडर्मल दिया हुआ था सर्कुलेटरी में। जब पढ़ेंगे तब तब देख लेंगे, इस तीनों होना चाहिए। और ये टोटल का जितना भी कैंसर होता है उसका अबाउट 1% ऑफ ऑल ट्यूमर है कि ना? बात समझे क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। इसमें कौन कौन सा कैंसर आएगा? बोन कैंसर। अरे कहाँ का कैंसर? इसको बोलेंगे ऑस्टियो सार्कोमा, हाँ कि ना? जैसे मान लो अगर आरपी पे हो तो क्या बोलेंगे? अरे बोलो। आरपी सर को हाँ वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन मैं सब टर्म समझा रहा हूँ। मसल्स पे हो तो क्या बोलेंगे? बोलो।
मसल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं मायो, हाँ सर मायो, मायो सार्कोमा, क्लियर। अगर लिम्फ नोड पे हो तो क्या बोलेंगे, लिम्फ नोड पे हो बोलेंगे लिम्फो, आगे बोलो सार्कोमा, सार्कोमा। तो सर को मारो क्या, जल्दी लिखो उसको, ल्यूकेमियास एंड लिम्फोमास, दीज आर द ट्यूमर्स ऑफ, आपने टर्म सुना होगा हेमो या हीमो, पोएटिक हेमेटो पोएटिक सेल्स, हाँ कि ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लड कैंसर है, हाँ कि ना, बोथ आर ब्लड कैंसर, कोई दिक्कत। बाकी इसके अंदर अलग अलग टाइप का होता है, क्रोनिक माइलिनोजेनस ल्यूकेमिया होता है, सीएमएल बोलते हैं। सीएमएल में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 20 और क्रोमोसोम नंबर 9 में एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, ठीक है, जिनके जिनकी वजह से एबनॉर्मल क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है और ये कैंसर कोज करता है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है वो किसी जीन्स के रेगुलेशन से होती है, अरे हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स, एंड दीज आर सम क्रिटिकली क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन जो अच्छे से इसको रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट सेल का प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एज वेल एज सर्वाइवल। Alternation of these leads to oncogenic transformation that causes cancer. है ना? So ये genes को हम लोग तीन category में बांटते हैं, एक होता है proto oncogene, ठीक है, या एक होता है cellular oncogene, एक होता है tumor suppressor gene, जो tumor होता भी हो तो उनको suppress करने वाले अपने पास gene होती है, clear? तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे next class में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लियर है क्या?